कृतिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जो यात्री रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं उनके लिए बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। चूंकि आपको बता दें कि भारतीय रेलवे अपने यात्री का खास ध्यान तो रखती ही है और अपने ध्यान रखने के साथ साथ समय समय पर नई नियम भी लागू करती है। इस बार जो भारतीय रेलवे के द्वारा नई नियम आई है आपको हम बताते हैं इसके बारे में विस्तार से, लेकिन आप इस खबर के अंत तक जरूर बने रहें। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल अब एस्कॉर्ट पार्टी ट्रेन में ही यात्रियों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करेगी, यानी कि अब आपको किसी मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अपनी ट्रेन नहीं छोड़नी पड़ेगी, बल्कि ट्रेन में सफर के दौरान ही FIR दर्ज हो जाएगा। साथ ही रेल पुलिस द्वारा इसकी कॉपी यात्री के व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। दरअसल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल पुलिस ने खास तौर पर यह पहल बिहार के लोगों के लिए शुरू को बता दें कि रेलवे के अधीन आने वाले 4 जिलों जैसे कि पटना, मुजफ्फरपुर, कटिहार और जमालपुर मुंगेर में शिकायत पुस्तिका का फॉर्मेट भेज दिया गया है। रेल ADG बच्चू सिंह मणि की माने तो यह पहल रेल यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। शिकायत पुस्तिका का फॉर्मेट भी रेल थानों को भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि ट्रेन में ही यात्री अपनी शिकायत दर्ज करा देंगे, सभी के पास शिकायत पुस्तिका मौजूद रहेगी। पहले प्रावधान था कि किसी भी तरह का केस या FIR रेल थाने में ही करना पड़ता था। ट्रेन रुकने पर जब यात्री थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराते थे तब तक उनकी ट्रेन छूट जाती थी। ऐसे में यात्रियों को यह पहल रास आने लगी है और 31 मार्च को ही ADG रेल द्वारा सभी SP के साथ बैठक कर तमाम तरह के निर्देश दिए जा चुके थे। और आपको बता दें कि चलती ट्रेन में शिकायत पुस्तिका की 3 कॉपियां मौजूद रहेगी, प्रति बुकलेट के रूप में रहेगी, जबकि दूसरी कॉपी रिसीव करने के बाद यात्री को दे दी जाएगी। तीसरी कॉपी एस्कॉर्ट पार्टी के जवान GRP थाने में जमा करेंगे और उस पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की जाएगी। शिकायत करने में अब समय की बचत होगी और यात्रियों को बेहद सहूलियत मिल सकेगी। भारतीय रेलवे के द्वारा बड़ी नियम लाई गई है जिससे आपको अब FIR दर्ज कराने में जरा भी तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा। जिससे आपको ट्रेन छूट जाती थी, आप अगर FIR दर्ज कराने जाते थे तो आप अपनी ट्रेन मिस कर देते थे, लेकिन अब आप अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अगर आपको किसी पर FIR करनी है, आपको कहीं जाते समय आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाता है, तो आपको अब FIR ट्रेन में ही आप कर सकते हैं। ये रेलवे के द्वारा बड़ा नियम लाया गया है जिससे अब आम आदमी को परेशानी नहीं होगी और उनका ट्रेन भी नहीं छूटेगा और उन्हें प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई दिक्कतें भी नहीं आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ फॉर नेशन, नमस्कार।